हर सुबह आपके सामने दो विकल्प होते हैं। पहला, या तो आप अपने सपनों को अपने आंखों में लिए हुए सोते रहिए। दूसरा, आप अपने सपने को सच में पाने के लिए उठकर मेहनत करते रहिए। तो मैं चूज़ कर रही हूँ सेकेंड वाला ऑप्शन, मतलब उठकर मेहनत करने का ऑप्शन, क्योंकि बिना मेहनत के कुछ भी नहीं मिलता है। एक बार किस्मत हमारा साथ छोड़ सकती है, पर हमारी मेहनत कभी हमारा साथ नहीं छोड़ेगी। अभी बज रहे सुबह के 5:30, मैं उठ चुकी हूँ और आज मेरे पूरे दिन का टारगेट है नोट्स बनाना। आज मुझे सुबह से लेकर शाम तक या रात तक, जब तक मैं एग्जॉस्ट ना हो जाऊँ बिल्कुल, तब तक मुझे सिर्फ और सिर्फ लिखना है। आज लिखना है, नोट्स, दैट्स ऑल। और ये नोट्स हैं मेरे कॉलेज के प्लस UPSC के भी, मतलब कुछ टॉपिक्स इसमें UPSC के भी रिलेवेंट है। तो आज का पूरा दिन का मेरा यही टारगेट था, चलो शुरू करते हैं। और यहाँ पे आप देखो, मैं शुरू कर भी चुकी हूँ। एक्चुअली ये जो मैं कर रही हूँ ना, ये मैं लास्ट नाइट कर रही थी और करते करते सो गई थी। तो पहले जो भी बचा कुचा था ना, उसको मैं कंप्लीट कर रही हूँ एंड उसके बाद फिर मैं फर्दर न्यू यूनिट के साथ शुरू करूँगी। माई कॉलेज एग्जाम्स आर अप्रोचिंग, ओनली 1 month इज लेफ्ट। तो मुझे अपनी स्पीड, एक्यूरेसी, फ्रिक्वेंसी, जो भी कह लो, सब कुछ बढ़ाना होगा। बिना अब स्पीड तेज किए कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो मैं टेबल पे लिख रही थी, बट थोड़ा ना मुझे सुबह सुबह का टाइम है तो मेरा मन हुआ कि मैं बेड पे ही लिखूं। तो बस मैं बेड पे आ गई लिखने और यहाँ पे भी बस लिख ही रही हूँ। मैंने ज़रा भी टाइम लिया ही नहीं कि मैं फालतू का टाइम वेस्ट करूं, बिकॉज मुझे करना है इसे जल्दी से जल्दी ख़त्म करना है, ताकि मैं रिविज़न कर सकूं, नोट्स को लर्न कर सकूं, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर सकूं। एक्चुअली कॉलेज में भी ना आपको एक अच्छी खासी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की ज़रूरत है। वहाँ पर भी हमको 3 hours मिलते हैं और उसी में बहुत सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ते हैं, और वो भी 5-7 पेजेस में। तो प्रैक्टिस तो चाहिए। और अभी मैं आ गई हूँ टेरेस पे, सुबह के बज रहे हैं 9। इसके बाद मैंने फिर ब्रेकफास्ट किया और आज मम्मी ने ब्रेकफास्ट में चाउमीन बना दी, उसके साथ मैक्रोनी भी, तो काफ़ी मुझे टेस्टी लगा। कभी कभी अलग कुछ होना चाहिए, डेली वही फिर मन नहीं करता। बस अभी यहाँ पे शार भी ले लिया है, ताकि पूरे दिन के लिए फ्री और सिर्फ लिखो। तो बस हाय फ्रॉम माई साइड, आई एम रेडी, लेट्स गो। राधे राधे एवरीवन, हरे कृष्णा। ये हैं मेरे लड्डू गोपाल, क्यूट से प्यारे। तो बस थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके लड्डू गोपाल के साथ, उनकी पूजा करके मैं आ गई हूँ रूम में। और चलो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। और अभी दोपहर के 12 बज रहे हैं। एंड यस, मैंने ना ब्रेकफास्ट करने के बाद मॉपिंग की थी, तो मॉपिंग में ना 1 hour लग गया। एक्चुअली आज ना बहुत ज़्यादा ही घर एकदम गंदा था, तो बस क्लीनिंग में लग ही जाता है टाइम। और धीरे धीरे गर्मी आ रही है ना, तो इस वजह से। और एनीवेज चलते हैं, शुरू करते हैं अपनी जो भी चीज़ें हैं। और अभी ना मैं टू डू लिस्ट लिख रही थी। एक्चुअली सुबह में मैंने आपको बताया ना कि मैं लिखना शुरू कर दिया था, मैंने कुछ भी नहीं वो किया था, बट अभी मैं टू डू लिस्ट लिख रही थी कि मतलब पता तो होना कि हाँ मैंने किया क्या है डेली का डेली। अभी यहाँ पे ना ये आपको दिखा रही थी कि इतने मैंने लिख लिया, इतना इवन ये कॉपी भी ना ख़त्म होने वाली है। आई एम सरप्राइज़ कि मैंने कितना ही लिख डाला है। एक कॉपी ऑलरेडी ख़त्म है, ये कॉपी, ये देखिए आप, मैंने इतना सारा लिखा है। ये कॉपी भी ख़त्म होने को है, इसके बाद मुझे फिर न्यू नोटबुक लानी होगी, है मेरे पास, मतलब उसमें लिखना होगा। तो आई वॉज सरप्राइज्ड कि मैंने इतना लिख लिया, कैसे लिख लिया, कब लिख लिया, बट सच में लिख ही लिया। तो बस अभी वही कर रही हूँ। और अभी यहाँ पे ना मैं पर्टिकुलर टॉपिक आपको बता देती हूँ कि मैं लिख रही थी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिपोर्ट राइटिंग। तो दिस इज़ द टॉपिक ऑन विच आई वॉज मेकिंग नोट्स, एंड यही कर रही हूँ मैं अभी। एंड फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे, आपको ज़रा भी मोटिवेशन मिल रहा होगा ना मेरी वीडियोस से, देन आई वुड बी वेरी वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। एंड यस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है ना, अगर आपके कोई फ्रेंड्स को आपको शेयर करने का मन करे, तो आप ज़रूर करो, बिकॉज मुझे अच्छा लगेगा कि मेरी वजह से किसी को हेल्प मिल रही हो, किसी को 1% भी पॉजिटिविटी मिल रही हो। एंड यस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कर सकते हो, उससे मुझे बहुत खुशी मिलेगी। जैसे आपको वीडियो देख के अच्छा लगता है, वैसे मुझे लाइक से। तो बस अभी यहाँ पे मैं ना ईयरबड्स ले आई और उसे ब्लूटूथ से कनेक्ट कर लिया। आप लोग ऐसे करते हो क्या कि मतलब सॉन्ग सुनते सुनते नोट्स बनाना? काफ़ी अच्छा लगता है। वैसे तो मैंने शुरुआत में मतलब सिर्फ और सिर्फ नोट्स बना रही थी, बट अभी मैं ईयरबड्स ले आई एंड आई थॉट इसे कनेक्ट करते हैं एंड म्यूज़िक सुनते सुनते ना काम करते हैं। काफ़ी अच्छा लगता है, पीस मिलता है, मुझे बहुत पसंद है। बट होता क्या है ना कि थोड़ी देर तक तो मैं अच्छे से सस्टेन कर लेती हूँ ईयरबड्स के साथ, बट धीरे धीरे ना जैसे 1-2 hours के बाद ना ईयरबड्स मुझे फिर ना चुभने लगते, फिर मैं इनको निकाल के रख देती हूँ। बट अभी तो आई वॉज इन्जॉइंग राइटिंग नोट्स प्लस लिसनिंग म्यूज़िक, बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। आप लोग बताना, आप लोग कैसे करते हो, मतलब गाने सुनते सुनते लिखना पसंद करते हो? मुझे तो पसंद है, बट हाँ यही होता है कि ईयरबड्स ना थोड़ी देर बाद फिर चुभने लगते हैं कान में, ऐसा लगता है हटाओ इनको, अदरवाइज इट्स गुड। एंड आज मैंने ना मतलब सोशियोलॉजी ही पढ़ा है पूरे दिन, ये सोशियोलॉजी के नोट्स हैं।
सोशियोलॉजी ही लिखा है, सोशियोलॉजी ही पढ़ा है और इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ा है। आपने देखा होगा ना, पॉलिटी उठाई मैंने, ना स्पेक्ट्रम, नो नथिंग एनीथिंग, ना ज्योग्राफी, तो इट्स ओके। आज का मेरा टारगेट ना यही मैंने रखा, क्योंकि मुझे नोट्स कंप्लीट करने हैं एनी हाउ, अब जल्दी से जल्दी, बिकॉज मेरे कॉलेज के एग्ज़ाम्स भी आ जाएंगे, पता नहीं चलेगा। अभी होली है, आपको पता ही होगा, सबको ही पता होगा 25th को होली है, तो थोड़ा बहुत ना मुझे घर में भी हेल्प करना है, तो इसलिए मैं अपनी स्पीड बढ़ा रही हूँ कि जल्दी जल्दी से ख़त्म करूँ, फिर उसके बाद जल्दी जल्दी से सारी चीज़ों को लर्न भी तो करना है, रिवाइज़ भी तो करना है, तो ये भी बात है, इसीलिए लिखे जा रही हूँ। एंड अभी दोपहर के बज रहे थे, आई थिंक 2:30 या 3 बज रहे थे। एंड फ्रेंड्स, जो भी मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा ना, वो बात बिल्कुल सच है, आप लोग भी जानते होंगे कि बिल्कुल सच है। सच में बिना मेहनत के ना इस दुनिया में कुछ भी नहीं मिलता है। मान लो अगर अभी हम मतलब प्रिपरेशन कर रहे हैं UPSC के लिए, जॉब के लिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए, किसी भी चीज़ के लिए आप अगर प्रिपेयर कर रहे हो, तो हमारा दिमाग लग रहा है, हमारी एनर्जी लग रही है, मेहनत लग रहा है, ये मेहनत हम कर ले रहे हैं, हमें हमारी मेहनत से शायद जॉब मिल जाए, शायद क्या मिली जाएगी अगर हम मेहनत करेंगे तो, बट अगर नहीं मिलेगी तो भी हमें मेहनत ही करनी पड़ेगी। मान लो लाइफ में कुछ तो करेंगे, तो फिर कैसे हमारा सर्वाइवल होगा। तो हर चीज़ में मेहनत है, हर चीज़ में, कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसमें मेहनत ना हो। किस्मत कब तक ही साथ देगी, किस्मत का क्या है ना कि कभी कभी साथ दे देती है ना, तो वो जो हमारे कहते नहीं वो लकी, तो वो वाला ग्राफ बढ़ जाता है किस्मत की वजह से बस, बाकी और कुछ नहीं, पूरा 99% रोल हमारी हार्डवर्क का है, तो हमें इससे नहीं हटना चाहिए, सब कुछ हमारे हाथों में है। भले आज मेरे लिखते लिखते हाथ दर्द हो रहे हैं, लेकिन शायद कल इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा हो, आने वाले 2-3-4 ईयर्स में इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा हो। थक रही हूँ, अभी नहीं लिख पा रही हूँ, दर्द हो रहा है, बट अगर मैं फिर भी हार ना मानूँ, लिखती रहूँ, करती रहूँ चीज़ों को, तो शायद हाँ कभी ना कभी तो इसका रिज़ल्ट मुझे मिलेगा, काफ़ी अच्छा मिलेगा, वो जो फ्रूट होगा ना बहुत ही ज़्यादा स्वीट होगा। इसलिए यही सोचकर मैं ना मेहनत करती रहती हूँ, बिकॉज मुझे ना चाहिए चीज़ें, जो मैं सोची हूँ ना, वो जो लाइफ मैंने सोची है ना, वो मुझे चाहिए, मुझे वैसी लाइफ जीनी है। अभी क्या है, एक ही चीज़ है हमारे हाथ में, मेहनत, और जो भी हम सोचते हैं उसको पाने का ना यही रास्ता भी है। जो चीज़ सोच रहे हो उसका रास्ता क्या है, पढ़ाई, तो पढ़ाई करो, कुछ भी करो। मतलब मैंने ये चीज़ सीखी है, मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि सच में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, बस हमारे करने के ऊपर है, हम चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं दुनिया में, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। जब कोई पहाड़ से रास्ता बना सकता है, सोचो, तो फिर पढ़ाई तो पहाड़ से रास्ता बनाने से तो ईजी है। मैं तो यही सोचती हूँ कि पहाड़ से रास्ता बनाने से ज़्यादा ईजी है पढ़ाई करना, और सच में ईजी है, हम चाहें तो हम कुछ भी कर सकते हैं और हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं अपनी लाइफ में। और अभी देखिए, मैं बिल्कुल एग्जॉस्ट हो चुकी हूँ, फाइनली आई एम एंडिंग दिस, ख़त्म कर रही हूँ मैं अब ये नोट्स का सिलसिला, एंड बन भी चुका है, मेरे जितने भी टारगेट थे हो गए थे, अभी 5 बज रहे हैं शाम के। तो यार फ्रेंड्स, आज का व्लॉग यहीं तक, मिलती हूँ कल एक नए वीडियो के साथ, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।